ना ही ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, ना ही ज्यादा मसालों का इस्तेमाल करेंगे, ना कड़वे लगेंगे ना कसैली लगेंगे। बहुत इजी प्रोसेस है इस आमला अचार को बनाना। झटपट से बना करके हम इसे खा भी सकते हैं, और इसे सालों तक स्टोर करके कैसे रखना है वो मैं आपको एंड में जरूर बताऊंगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि देसाई, इस खाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे मैंने 300-350 ग्राम के करीब ले ली है आमला। इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, देन इसे हम उबलते हुए पानी में, ज्यादा नहीं बस 1-2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 मिनट के करीब हो चुका है। चलिए आमला को यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब हम इसे धूप में सुखाएंगे 1-2 घंटा के लिए। तक आमला धूप में सूख रहा है तब तक चलिए मसाला प्रिपरेशन कर लेते हैं। गैस में चढ़ाएंगे एक पैन, इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी दाना, 1/2 चम्मच काला जीरा, 1 चम्मच सरसों, 1 चम्मच जीरा। गैस की फ्लेम को लो में रख के हम इसे 1-1.5 मिनट के लिए भूनेंगे, ज्यादा बिल्कुल नहीं कुक करना है। ये देखिए यहाँ पे 1-1.5 मिनट के करीब हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब मसाला जो है हल्का सा ठंडा हो जाए, देन हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला मिक्सचर यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम अचार बनाएंगे 2 घंटे के बाद। यहाँ पे देखिए 2 घंटा हो चुका है। आमला को डाल देंगे एक बड़ा सा बाउल में, देन हम इसे कट लगाएंगे। हाथों में भी ये बहुत इजीली निकल आएगा, नहीं तो आप नाइफ की मदद से भी इसे कट लगा सकते हैं। इसकी जो पार्ट होती है ना उसे निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे आमला के ना सीड्स निकाल ली है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। गैस पे चढ़ाएंगे एक पैन, उसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी चम्मच सरसों का तेल। आमला के अचार में ज्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं होता है, इतने में ही अचार जो है बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनने वाला है। ऑयल को स्मोक हो जाने देंगे, देन इसमें ऐड करेंगे हींग। साथ ही ऐड करेंगे ये जो मसाला हमने प्रिपेयर करके रखा था, थोड़ा सा चला लेंगे, देन इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर एंड 1 चम्मच हल्दी पाउडर। तीखा आपको कितना पसंद है उस हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम सारे मसालों को धीमी आंच में 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। ये देखिए 2-3 मिनट यहाँ पे हो चुका है। अब हम इसमें आमला को डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए आमला को हम मसालों के साथ 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, देन गैस को ऑफ करेंगे। हमारा आमला का अचार यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे, देन इसे स्टोर करेंगे जार में। वैसे तो इस अचार को आप अभी बना करके खा सकते हैं, लेकिन इस अचार को हम जार में स्टोर करके 2-3 दिन धूप में चढ़ाएंगे, देन अचार को आप ज्यादा दिनों तक रख के खा सकते हैं। लेकिन आप इसे सालों तक रखना चाहते हैं तो बस 1 छोटी चम्मच विनेगर डाल दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की आमला अचार रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।